हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ई पाठशाला। मैं शिखा ई पाठशाला पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं CDP का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि एवं विकास। तो आइए चलिए बढ़ते हैं, हम वृद्धि के बारे में जानते हैं। वृद्धि क्या होता है? वृद्धि को कोशीय वृद्धि के रूप में प्रयुक्त करते हुए कहा है कि शरीर एवं व्यवहार के किसी भी पहलू में होने वाले परिवर्तन ग्रोथ या वृद्धि कहलाते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जो भी हमारी कोशिकाएं हैं उनमें जो परिवर्तन होता है ना, यानी कि वृद्धि को कोशीय वृद्धि के रूप में बताया गया है कि हमारे शरीर में और हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन होते हैं उसको हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि की परिभाषा फ्रैंक महोदय ने दी है, शरीर के किसी भी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। यानी कि फ्रैंक जी ने कहा है कि शरीर के किसी भी विशेष पक्ष में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम वृद्धि कह सकते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उसी को हम वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार से वृद्धि शरीर के विभिन्न अंगों के आकार में परिवर्तन के साथ साथ शरीर की लंबाई, चौड़ाई एवं भार को व्यक्त करता है। यानी कि हमारे शरीर में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई व भार से होने वाले परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वृद्धि समझ में आया होगा कि हमारे शरीर में जो भी लंबाई, भार, वजन, ऊंचाई, इन सब से संबंधित जो भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसे हम वृद्धि कहते हैं। ठीक है, चलिए हम विकास की तरफ बढ़ते हैं। विकास बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमबद्ध श्रृंखला को विकास कहा जाता है। यानी कि किसी भी बालक में क्रमबद्ध रूप से जो भी परिवर्तन होते हैं, उसे हम विकास कहते हैं। अरस्तु के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। यानी कि किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार का आंतरिक या बाह्य परिवर्तन जो होता है उसे हम वृद्धि कह सकते हैं। वुडवर्थ जी ने कहा है मानव विकास के बारे में, तो आइए जानते हैं वुडवर्थ ने मानव विकास के बारे में क्या कहा है। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है मानव विकास। यानी कि किसी भी मानव का विकास क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है मानव विकास। यानी कि किसी भी व्यक्ति में वंशानुक्रम मतलब होता है कि उसके माता पिता से जो उसको गुण मिले हैं, शारीरिक गुण मिले हैं, वो वंशानुक्रम। और वातावरण क्या है, जो किसी भी बच्चे का या किसी भी व्यक्ति के आसपास का वातावरण है। और इस वंशानुक्रम और वातावरण को ही के मेल को ही हम वातावरण कह सकते हैं। वंशानुक्रम यानी कि आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट को ही हम कह सकते हैं विकास, है ना। इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के मेल को हम कहते हैं विकास। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। विकास को प्रभावित करने वाले कारक विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला है आपका आनुवंशिकता, है ना। अभी मैंने आपको बताया था आनुवंशिकता क्या होता है, कि किसी भी व्यक्ति के माता पिता से जो उसको शारीरिक विशेषताएं प्राप्त होती हैं उसको हम आनुवंशिकता कहते हैं। और इस आनुवंशिकता जो ये होती है आपकी, ये विकास को सीधे से प्रभावित करती है। फिर पर्यावरण, बच्चों के विकास में पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि किसी भी बच्चे के आसपास का वातावरण या पर्यावरण जैसा होगा उस बच्चे का विकास भी उसी प्रकार से होगा। यदि सकारात्मक पर्यावरण है तो उस बच्चे पर भी उसका विकास भी अच्छे से होगा, लेकिन अगर नकारात्मक पर्यावरण है तो उस बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। फिर आपका आता है लिंग, यानी कि कोई लड़का या लड़की, है ना। लिंग मतलब यहाँ पर आपका सामाजिक लिंग नहीं है। यानी समाज में जो हम कहते हैं ये लड़का है, ये लड़की है, ये ऐसा काम नहीं कर सकती, लड़का ये नहीं कर सकता, लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, हम उस लिंग की बात नहीं कर रहे। हम लिंग की बात कर रहे हैं जो उसका जैविक, जो उसका शारीरिक, क्या कहते हैं, शारीरिक बनावट है, जो यानी कि जो उसका डिसाइड करता है लिंग कि वो शारीरिक रूप से लड़की है या लड़का है। हम उस लिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि यदि कोई अगर लड़का होगा तो उसके शरीर का विकास दूसरी तरीके से, और यदि कोई लड़की होगी तो उसका विकास दूसरी तरीके से होगा। ठीक है, तो ये भी विकास को सीधे से प्रभावित करता है। फिर हार्मोन, यदि वो लड़का है तो उसके में कुछ हार्मोन्स डिफरेंट होते हैं और लड़कियों में कुछ हार्मोन्स डिफरेंट होते हैं, इसलिए ये भी विकास को प्रभावित करता है। फिर पोषण, यानी कि यदि
कोई बच्चा जो है उसका पोषण अच्छा है, उसको संतुलित आहार मिल रहा है तो उसका विकास जो है वो अच्छे से होगा, लेकिन यदि उसको पोषण नहीं मिल रहा है अच्छे से तो उसके विकास में बाधा आ सकती है, उसका विकास जो है ठीक प्रकार से नहीं होता। जैसे शरीर से वो दुबला पतला हो सकता है, हाइट में कमी हो सकती है ना, ये बहुत ज़्यादा मोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर पारिवारिक प्रभाव, यानी कि उसके परिवार का वातावरण कैसा है, परिवार के लोग कैसे हैं, ये विकास पे सीधा प्रभाव डालता है। फिर भौगोलिक प्रभाव, यानी कि वो बच्चा जहाँ रह रहा है वहाँ के आसपास का, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, इन सब का प्रभाव ये विकास के ऊपर पड़ता है। रोग एवं चोट, कोई भी बच्चा है यदि उसको कोई रोग है या उसको कोई चोट लगी है तो कुछ समय तक, जब तक वो चोट या रोग बच्चे में है तब तक विकास जो है वो सीधे सीधे प्रभावित होता है, ठीक है। विकास की गति धीमी हो जाएगी, है ना, तो विकास को प्रभावित करते हैं ये रोग एवं चोट। फिर परिपक्वता, बच्चा जो है वो कितना मैच्योर है ना, उसकी उसका शारीरिक विकास कितना हुआ है ना, और उसका मानसिक विकास कितना हुआ है, वो परिपक्व है कि नहीं, है ना। आप अगर यदि बच्चा परिपक्व नहीं है और आप उसकी परिपक्वता से ज़्यादा उसको काम दे रहे हो तो वो बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका विकास नहीं हो पाया है अभी, उसका विकास जो है उसकी परिपक्वता पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रजाति एवं संस्कृति, इनकी किसी कोई भी बच्चा जो है वो कौन सी प्रजाति को बिलोंग करता है, उसकी संस्कृति क्या है, ये सभी विकास को प्रभावित करती हैं। फिर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि बच्चे का शरीर, अगर शारीरिक स्वास्थ्य सही है, मानसिक विकास सही है तो उसका विकास भी अच्छे से होगा। यदि उसके मन में कोई टेंशन है, मानसिक रूप से वो उसका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है या शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसका विकास भी, गति भी विकास की धीमे होगी, ठीक है। वृद्धि एवं विकास के विभिन्न आयाम, यानी कि वृद्धि एवं विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं। जैसे सबसे पहला है मानसिक विकास, है ना, कि बच्चा जो है वो कैसे सोचता है, कैसे चिंतन करता है, क्या उसकी कल्पना शक्ति कैसी है ना, ये सब हमारा मानसिक विकास में आता है। फिर आता है हमारा शारीरिक विकास, यानी कि उसके हड्डियों का बढ़ना, है ना, उसके नेल्स का, उसके बालों का बढ़ना, उसकी आयु में वृद्धि, सॉरी आयु में तो होती है उसकी, सॉरी हाइट में वृद्धि, है ना, उसकी ऊँचाई लंबाई भार में वृद्धि, ये सब शारीरिक विकास में आता है। फिर नैतिक विकास, यानी कि बच्चे जो है सही क्या है गलत क्या है इस बारे में जानता है, किससे अच्छे से व्यवहार करना जानता है, है ना, सद्गुणों का विकास हो रहा है तो वो नैतिक विकास में आता है। फिर सामाजिक विकास, यानी कि किसी भी व्यक्ति के आसपास का समाज का वातावरण कैसा है, सकारात्मक है, लोगों का व्यवहार अच्छा है ना, तो उसका विकास भी अच्छा होगा। संवेगात्मक विकास, यानी कि संवेग, यानी कि भूख प्यास, है ना, रोना हंसना क्रोध भय, ये सब हमारे संवेगात्मक विकास में आते हैं, ठीक है। फिर संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक में बच्चे की समझ कैसी है ना, उसको कितना बोध है, उसको कितना ज्ञान है, वो संज्ञानात्मक विकास में आता है। फिर भाषात्मक विकास, यानी कि बच्चे की संस्कृति क्या है, उसकी भाषात्मक विकास, यानी कि वो बोलने में कैसा है, सामाजिक है कि नहीं है, है ना, उसको कितना ज्ञान हुआ है भाषा का, है ना, ये सब भाषात्मक विकास में, ठीक है। फिर विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर विकास के सिद्धांत को दो रूपों में, दो भागों में बांटा गया है, एक तो सामान्य सिद्धांत और दूसरा जैविक सिद्धांत, ठीक है। सामान्य सिद्धांत में हमारा आता है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि हम सब जानते हैं कि विकास जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। फिर विकास की दर में असमानता, यानी कि कभी विकास धीरे धीरे होता है, कभी बहुत तीव्र गति से होता है, तो इस तरह से विकास की दर में असमानता व्याप्त होती है। फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, यानी कि हर व्यक्ति में बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं, है ना, उसका जो है पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, उसके इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, है ना, उसकी आदतें डिफरेंट होती हैं, तो उसका विकास भी उस व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नताओं के ऊपर आधारित होता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि समान प्रतिमान मतलब होता है मॉडल्स, यानी कि एक ही प्रतिरूप में चलता है, किसी बच्चे का अगर पहले मस्तिष्क अगर डेवलप होगा तो दूसरे बच्चे का भी पहले मस्तिष्क ही डेवलप होगा, यानी कि एक जो क्रमबद्ध श्रृंखला है वो सभी व्यक्ति में समान रूप से होती है, ठीक है। फिर सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत, यानी कि जो विकास होता है वो पहले सामान्य रूप से होता है, फिर उसका विशिष्टीकरण होता है ना। फिर एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है, जैसे
पहले आप उंगलियां चलाना सीखते हैं, फिर अपनी कलाई मोड़ना सीखेंगे, फिर अपनी कोहनी मोड़ना सीखेंगे। इस तरह से आप ना पूरा हाथ चलाना आप धीरे धीरे सीखते हो, है ना। तो यही होगा आपका एकीकरण का सिद्धांत। फिर पारस्परिक संबंधों का सिद्धांत, यानी कि हाथ से जो है सॉरी उंगलियों से कलाई तक जाना, है ना। इसमें आपस में जो संबंध है, आपकी उंगली से लेकर बांह तक जो संबंध है, ये पारस्परिक संबंधों का सिद्धांत हो गया, ठीक है। अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मानव विकास क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच का परिणाम है, यानी कि हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट का परिणाम है, है ना। तो यही अंतःक्रिया जो है ये आपका विकास कहलाती है, ठीक। पूर्वानुमान का सिद्धांत, यानी कि किसी भी बच्चे का विकास के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये बच्चा कैसा होगा, है ना। अगर वो अच्छे से बिहेव कर रहा है, अच्छे से सबसे बातचीत कर रहा है, तो हम कहते हैं ये बच्चा बहुत सामाजिक है, है ना, बहुत सारे लोगों की हेल्प करता है। तो हम उसका पूर्वानुमान कह सकते हैं कि इस बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो विकास का सिद्धांत है पूर्वानुमान का सिद्धांत, ठीक है। फिर आइए बढ़ते हैं जैविक विकास की तरफ। जैविक विकास में आता है शिरापदाभिमुख, यानी कि सेफलोकॉडल, यानी कि किसी भी बच्चे का विकास जो है वो सिर से लेकर पैर की ओर होता है। यानी कि पहले मस्तिष्क का विकास होगा, फिर हृदय का विकास होगा, है ना, फिर पैरों का विकास होगा। इस तरह से सिर से लेकर पैर की ओर चलने वाले विकास को हम सेफलोकॉडल या शिरोन्मुखी या शिरापदाभिमुख कहते हैं। फिर समीप दूराभिमुख, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा है, है ना, कोई बच्चा है मान लीजिए, तो पहले इसके हृदय का विकास होगा, फिर बाहर की ओर इसके हाथों का विकास होता है, है ना, ऊपर की ओर विकास होता है। इस तरह से कोई भी बच्चा है तो उसका पहले केंद्र की ओर फिर बाहर की ओर विकास होता है, तो इसी को हम सेफलोकॉडल कहते हैं, सॉरी प्रॉक्सिमो डिस्ट्रल कहते हैं, या समीप से दूराभिमुख, समीप से दूर की ओर विकास कहते हैं। फिर वर्तूलाकार, जैसे ये आप एक चित्र देख रहे हो, ये ऐसे वर्तूलाकार बना हुआ है, यानी कि स्पाइरल बना हुआ है। तो किसी भी व्यक्ति का विकास ये स्पाइरल होता है, है ना, ना कि सीधी रेखा में होता है, ठीक है। विकास निरंतर ज़रूर चलता है, लेकिन रैखिक नहीं चलता, ये स्पाइरल चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर, वृद्धि और विकास में अंतर, आपका टेट सी टेट हो गया, आपका किसी भी स्टेट का टेट हो गया, या डीएलएड हो गया, या बीएड हो गया, इसमें वृद्धि और विकास जो है बहुत महत्वपूर्ण रखता है, वृद्धि विकास में अंतर। ठीक है, अभिवृद्धि का स्वरूप वाय होता है, यानी कि वृद्धि जो है वो बाहरी रूप से शारीरिक तौर पर हमें दिखाई पड़ती है, ठीक है। लेकिन विकास का स्वरूप जो है वो आंतरिक होता है, यानी कि बच्चा क्या चिंतन कर रहा है, उसकी कल्पना शक्ति कैसी है, ये आपको दिखाई पड़ता है? नहीं, कभी नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन किसी भी बच्चे का अंग जो है वो कितना बढ़ा, उसके बाल कितने बढ़े, ये आपको दिखाई पड़ रहा है ना। वृद्धि आपको दिखाई पड़ रही है, लेकिन विकास दिखाई नहीं पड़ता। वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, और विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है। कहते हैं कि बच्चे की हाइट जो है एक एज तक बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती, यानी कि वृद्धि जो है वो रुक जाती है और विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अभिवृद्धि का संकुचित अर्थ में प्रयोग होता है, जबकि विकास का व्यापक अर्थ में, है ना। यानी कि शारीरिक वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, तो फिर वृद्धि वहाँ पर ख़त्म, और विकास क्या है वो जब से बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु तक चलता है। अभिवृद्धि का कोई क्रम नहीं होता, यानी कि लंबाई पहले भी बढ़ सकती है या बाद में भी बढ़ सकती है, है ना, भार पहले भी बढ़ सकता है या बाद में बढ़ सकता है, लेकिन विकास का क्या है, एक निश्चित क्रम में होगा। पहले मस्तिष्क का विकास यदि होता है तो सब में पहले मस्तिष्क का ही विकास होगा, यानी कि ये एक निश्चित क्रम में चलता है। अभिवृद्धि में कोई निश्चित दिशा नहीं होती, और विकास में एक निश्चित दिशा होती है। जैसे मैंने अभी दिशा में बताया था आपको, सिर से पैर की ओर या केंद्र से बाहर की ओर, तो विकास जो है वो सिर से पैर की ओर या बाहर केंद्र से बाहर की ओर ही सब में होता है, किंतु अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं, ये किसी भी तरह से हो सकता है, कुछ भी पहले किसी भी चीज़ का वृद्धि हो सकती है। इसका कोई लक्षण नहीं होता, वृद्धि का कोई लक्षण जो है नहीं होता, लेकिन विकास का कोई ना कोई लक्षण होता है, है ना। आप कह सकते हो कि इस बच्चे का विकास हो रहा है, यदि मान लीजिए वो सामाजिक तौर से एक दूसरे, मतलब बहुत सारे लोगों से अच्छे से व्यवहार करता है, अच्छे से बातचीत करता है, तो बच्चा सामाजिक है, यानी कि आप कह सकते हो कि इसका विकास अच्छा हुआ है, है ना। लेकिन वृद्धि का कोई लक्षण नहीं है। अभिवृद्धि का सीधे मापन किया जा सकता है, यानी कि अभिवृद्धि को, भार को, लंबाई को, ऊंचाई को आप माप सकते हो, लेकिन विकास को आप माप नहीं सकते, है ना, कि विकास में जो है कितना विकास हुआ बच्चे का, ये आप माप नहीं सकते।
अभिवृद्धि का सीधा संबंध आकार बढ़ने से है, यानी कि लंबाई में जो वृद्धि हो रही है, भार में वृद्धि हो रही है, या आपके एक तरह से आकार में वृद्धि हो रही है। किंतु विकास का संबंध सभी गुणात्मक परिवर्तनों से है, यानी कि विकास की बात करें हम तो उसमें कोई आकार नहीं होता है, उसका कोई आकार नहीं है, उसमें क्या है, गुणों के रूप में वो दिखाई पड़ता है कि हाँ बच्चे का विकास हो रहा है ना। यदि बच्चा जो है अच्छे से बिहेव कर रहा है तो आप कहेंगे उसका सामाजिक विकास हो रहा है, यानी कि उसका गुण है अच्छे से बात करना, है ना। और जैसे हम कह सकते हैं बच्चा पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो आप कहते हैं उसका संज्ञानात्मक विकास अच्छा हुआ है, है ना। अभिवृद्धि किशोरावस्था तक ही होती है और विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि अभिवृद्धि जो है, यानी जो भी आपके शरीर में जो भी परिवर्तन होने होते हैं वो किशोरावस्था तक संपन्न हो जाती है, उसके बाद वृद्धि नहीं होती, और विकास जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास की प्रमुख अवस्थाएं, चलिए हम बात करते हैं विकास की प्रमुख अवस्थाओं के बारे में। जब बच्चा जो है गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में, तब से उसका विकास शुरू होता है, है ना। तब से उसका जो है शारीरिक विकास शुरू हो जाता है गर्भकाल में ही। तो जन्म से पूर्व जो है वो आपका जन्म से पूर्व आपका गर्भकाल कहलाता है। उसके बाद शैशवावस्था या इन्फेंसी, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की शैशवावस्था कहलाती है ना, इन्फेंसी एज। फिर आपकी बाल्यावस्था जो है वो 5 से लेकर 12 वर्ष तक बाल्यावस्था कहलाती है। फिर किशोरावस्था, किशोरावस्था जो है वो 12 से लेकर 18 वर्ष तक, और 18 वर्ष से लेकर मृत्यु तक प्रौढ़ा अवस्था कहलाती है, यानी कि अडल्टहुड। ये हमने आज विकास के बारे में पढ़ लिया। आगे आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप ई पाठशाला के चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं, और हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके आप कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और आप ई पाठशाला के चैनल पे हमें फेसबुक से, इंस्टाग्राम से और टेलीग्राम से सीधे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू ऑन ई पाठशाला।